Hello everyone and good evening to all of you. I, Rupali Singh, again welcome you all in my channel Current Affairs by Rupali Ma'am. So everyone, जैसा कि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के सेशंस को लेकर के आती हूँ, बट आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं. आज हम डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक का जो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड है. तो टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसको आप लोग देखिएगा एंड इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और जो आज का जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. आप सभी को पता है कि अभी आर्यन खान से रिलेटेड ड्रग्स इशू चल रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसको आज हमने डिस्कशन के लिए लिया हुआ है. राइट, सो देखते हैं आपका टॉपिक क्या है, उससे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. बेसिकली दिस टॉपिक डिस्कशन इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. और जो भी स्टूडेंट्स आपके UPSC या फिर UPPCS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेन्स के लिए लिखना चाहते हैं, मेन्स देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई विल एक्सप्लेन दिस सेशन इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी में, इंग्लिश में भी एंड साथ में आपको हिंदी में भी इस सेशन को जो है वो एक्सप्लेन करते चलूंगा. ऑलराइट, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा. तो आज का आपका जो टॉपिक है वो है यूज एंटी ड्रग फंड फॉर डी एडिक्शन सर्विसेज, नॉट जस्ट पॉलिसिंग. ऑलराइट, सो व्हाट इज योर टॉपिक? योर टॉपिक इज यूज एंटी ड्रग फंड फॉर डी एडिक्शन सर्विसेज, नॉट जस्ट पॉलिसिंग. दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे जो नशा मुक्ति सेवाएं हैं इनके लिए जो नशीली दवाएं का नशीली दवाओं का जो कोष है उसका हमें उपयोग करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिसिंग के लिए, दैट मीन्स एक पॉलिसी बना करके नहीं रखना होता है. ठीक है, इसका हमें यूज़ भी करना है. तो कैसे हमें यूज़ करना है, इसके थ्रू क्या क्या एक्ट्स हैं, इंडिया में ड्रग एडिक्शन कितना ज़्यादा है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज हैं, इन सभी का डिस्कशन आज के सेशन में आपको होने वाला है. ठीक है, सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें. एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें. ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं आज के ये जो मैंने टॉपिक लिया है ये न्यूज़ में था अभी हाल ही में. सो व्हाट इज़ इन द न्यूज़ एंड व्हाट आर द बेसिक इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न इन दिस सेशन और रिलेटेड टू दिस टॉपिक. सो रिसेंटली द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ रिकमेंडेड दैट द नेशनल फंड टू ड्रग अब्यूज शुड बी यूज टू कैरी आउट डी एडिक्शन प्रोग्राम्स रादर देन जस्ट पॉलिसिंग एक्टिविटीज. दैट मीन्स कि अभी हाल ही में आपकी जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, दैट मीन्स सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इसने सिफारिश की है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कोष का उपयोग नशा मुक्ति कार्यक्रमों को चलाने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि केवल पुलिस गतिविधियों के लिए. ठीक है, दैट मीन्स ये नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ फंड को बना दिया और उसके बाद में सिर्फ पुलिस के एक्टिविटीज चल रही हैं, उसमें कुछ भी कंट्रोल नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो इसके लिए इसका यूज करना चाहिए. अ प्रपोजल टू डीक्रिमिनलाइज पोजिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स एज डिफाइंड इन द नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस NDPS एक्ट 1985 हैज ऑल्सो बीन सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री. दैट मीन्स अभी आपका एक NDPS एक्ट है जो कि 1985 में लागू किया गया था, इसको हम स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम भी कहते हैं. इसमें परिभाषित दवाओं की जो छोटी मात्रा के कब्जे को अपराध से मुक्त करने का प्रस्ताव भी वित्त मंत्रालय ने राजस्व विभाग को भेजा था. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए होता क्या है कि आपके NDPS एक्ट्स के थ्रू आपके कुछ ऐसे ड्रग्स भी आते हैं जो मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं, अगर उनका भी आप दो तरह से यूज हो सकता है. ठीक है, एक ड्रग्स का तो एक मेडिसिनल पर्पस के लिए होता है, एक ड्रग्स का किस लिए यूज होता है सभी को पता है, और एक नशा करने के लिए. तो यहाँ पे जो कुछ अगर स्मॉल क्वांटिटीज में ये ड्रग्स पाए जाते हैं जो कि NDPS एक्ट 1985 के अंतर्गत आते हैं, अगर स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं तो उनको क्या किया जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू जेल, उनको जेल भेजने के अलावा उनको डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंचाया जा सके और उनकी मदद की जा सके और वो आगे जो है इन क्राइम से बच सके. क्योंकि एक बार अगर किसी भी पर्सन को आपने जेल भेज दिया या प्रोसिक्यूट कर दिया तो बेसिकली वो क्रिमिनल एरिया में चला ही जाता है. तो वी हैव टू इम्प्रूव द सोसाइटी रादर देन क्रिएटिंग अ क्रिमिनल सोसाइटी. और एक सो रादर देन क्रिएटिंग क्राइम, सो हमें क्या करना है, एक अच्छी सोसाइटी बनानी है. सो दैट इज वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस प्रपोजल टू डीक्रिमिनलाइज द पोजिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स एज डिफाइंड इन द NDPS एक्ट 1985 हैज ऑल्सो बीन सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री. राइट,
And once it is approved, persons caught with the small quantities of drugs for personal use can be directed to rehab instead of being prosecuted and sent to jail. All right? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या 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 बात कही गई है, एक बार इसे मंजूरी मिलने के बाद व्यक्तिगत उपयोग के लिए कम मात्रा में नशीली दवाओं के साथ पकड़े गए व्यक्तियों को मुकदमा चलाने और जेल भेजने के बजाय पुनर्वसन के लिए निर्देशित किया जा सकता है. Alright, so this is the important news that you have to learn, and you have to learn the important facts about this news. Alright, so there is a national fund to control drug. What is this fund called, and what is the corpus that has been given to this fund? This you have to learn over here. Alright, so the fund was created in accordance with the provision of the NDPS Act and had a nominal corpus of rupees 23 crores. Alright, so यहाँ पे आपका एक fund बनाया गया है. नशीली दवाओं को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कोष बनाया गया है. ये फंड एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बनाया गया था और इसमें 23 करोड़ रुपए की मामूली कोष थी. ठीक है, ये आपको ध्यान रख, कितना कॉर्पस था और किस एक्ट के अंतर्गत ये फंड बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. अंडर द एनडीपीएस एक्ट द सेल प्रोसीड्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी फोरफीटेड grants made by any person and institution and income from the investments of the fund go towards the fund. All right, so इस अधिनियम के तहत जब्त की गई किसी भी संपत्ति की बिक्री की आय किसी व्यक्ति और संस्था द्वारा किए गए अनुदान और फंड के निवेश से होने वाली आय फंड की ओर जाती है. क्लियर? तो यहाँ पे एनडीपीएस एक्ट में जितनी भी आपकी प्रोसीड्स है, ठीक है, जितनी भी आपकी सेल प्रोसीड है, दैट मीन्स जो भी आपकी संपत्ति की बिक्री की जाती है किसी प्रॉपर्टी के से रिलेटेड, या अगर कोई फंड किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा अगर कोई अनुदान दिया गया है, ठीक है, या फिर आपकी फंड के निवेश से होने वाली जितनी भी आय है वो सब कहाँ पे जाएगी, वो सभी आपके इस फंड में चली जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस द एक्ट स्टेट्स दैट द फंड वुड बी यूज्ड टू कॉम्बैट इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक्स रिहैबिलिटेटिंग एडिक्ट्स एंड प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज. ऑलराइट, सो इस अधिनियम में ये भी कहा गया है कि इस फंड का उपयोग नशीली पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने और जितने भी नशेड़ियों की पुनर्वास और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाएगा. ऑलराइट, सो ये जो आपका फंड है ये इसमें क्या कहा गया, ये इस एक्ट में ये कहा गया है कि ये जो हम नेशनल फंड बना रहे हैं, ये जो राष्ट्रीय कोष बना रहे हैं ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, इसका क्या क्या काम होगा. पहला काम, कॉम्बैट इलिसिट ट्रैफिकिंग. ठीक है, जितने भी आपके नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी है इससे निपटा जाएगा. साथ ही में रिहैबिलिटेटिंग एडिक्ट्स, दैट मीन जितने भी जो नशा करते हैं उनको पुनर्वसन की सुविधा दी जाएगी. और साथ ही में जो ड्रग अब्यूज है, दैट मीन्स प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज, इसका मतलब है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोका जाएगा. देन आफ्टर दैट वॉट यू हैव टू लर्न, ड्रग एडिक्शन इन इंडिया. ऑलराइट, अब हमें यहाँ बात करनी है कि आपके जो भारत में नशीली दवाओं की जो लत है उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है. ऑलराइट, सो द मेनेस ऑफ ड्रग एडिक्शन हैज स्प्रेड फास्ट अमंग द यूथ ऑफ इंडिया. इंडिया इज सैंडविच्ड बिटवीन टू लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज गोल्डन ट्रायंगल ऑन वन साइड एंड द गोल्डन क्रीसेंट ऑन अदर. द गोल्डन ट्रायंगल एरिया कंप्राइजेस थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस, and the golden crescent area includes Pakistan, Afghanistan and Iran. According to the World Drug Report 2021, prescription drugs and their ingredient or precursors are being increasingly diverted for recreational use in India, the largest manufacturer of generic drugs in the world. All right, so agar hum baat karte hain Bharat mein nasheeli dawaon ki, ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो ये यूथ के बीच में फैला हुआ है. ठीक है, ये आपके जितने भी युवाएं, भारत के युवाओं में मादक पदार्थ की लत का खतरा तेजी से फैल रहा है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल में आपकी न्यूज में आर्यन खान भी जो है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है इस वक्त. ठीक है, शाहरुख खान जी के बेटे हैं जो कि इनमें इन्वॉल्व हैं. तो ये आपका इसके से रिलेटेड भी देख सकते हैं कि आपका ड्रग एडिक्शन कितना ज्यादा यहाँ पे फैला हुआ है. इसके अलावा क्यों ऐसा है, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, क्योंकि रीजन ये है कि जो इंडिया है वो आपका एक ऐसे रीजन में पड़ता है जो कि ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है. ठीक है, दो लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के बीच में है. ठीक है, ओपियम मीन्स होता है अफीम. ठीक, तो भारत दुनिया के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच स्थित है, जहां की एक तरफ आपका
स्वर्ण त्रिभुज है और दूसरी तरफ आपका स्वर्ण अर्धचंद्र है, दैट मीन्स गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रीसेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखा सकती हूँ। ठीक, तो आप अगर ये मैप देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इजिली कि ये आपका इंडिया है और ये किसके किसके बीच में है, ये आपका गोल्डन क्रीसेंट रीजन है, ठीक है, इसके और गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, ये आपके ये दो ऐसे रीजन हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा अफीम जो है वो प्रोड्यूस की जाती है और इन दोनों के बीच में आपका कौन सा देश, हमारा देश पड़ता है इंडिया। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं, गोल्डन ट्रायंगल में चार के बजाय तीन देश आते हैं, ठीक है, ऑपोजिट है, याद रखिएगा। ठीक है, गोल्डन क्रीसेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके तीन देश ही हैं, गोल्डन ट्रायंगल की बात करेंगे तो बनता तो ये ट्रायंगल है लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, ये आपके चार देश यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे आप ये देख सकते हो ये आपका ये एरिया है जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल कह रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बर्मा जिसे म्यांमार कहते हैं, थाईलैंड, क्लियर, लाओस एंड वियतनाम, दीज आर दी फोर कंट्रीज दैट कम्स अंडर गोल्डन ट्रायंगल। नेक्स्ट इज गोल्डन क्रीसेंट और इट्स गोल्डन क्रीसेंट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये आपके लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। और इट्स द गोल्डन ट्रायंगल एरिया कंप्राइजेस थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस, गोल्डन क्रीसेंट एरिया इंक्लूड्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड देयर इंग्रीडियंट्स और प्रीकर्सर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली डाइवर्टेड फॉर रिक्रिएशनल यूज इन इंडिया, द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ जेनरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया में जेनरिक दवाओं के सबसे बड़े निर्माता कहाँ पे हैं, ये भारत में प्रिस्क्रिप्शन दवा और उनके अवयवों या फिर अग्रदूतों को मनोरंजक उपयोग के लिए तेजी से पथांतर किया जा रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं या उनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे आपने मैप देखा ही है। इसके अलावा इंडिया इज ऑल्सो लिंक्ड टू शिपमेंट ऑफ ड्रग्स सोल्ड ऑन द 19 मेजर डार्कनेट मार्केट्स एनालाइज्ड ओवर 2011 to 2020। और इसके अलावा भारत 2011 से 2020 में विश्लेषण के लिए 19 प्रमुख डार्कनेट बाजारों में बेची जाने वाली दवाओं के शिपमेंट से भी जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरोज क्राइम इन इंडिया 2020 रिपोर्ट, अ टोटल ऑफ 59,806 केसेस वर लॉस्ट अंडर NDPS एक्ट। ऑलराइट, सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जो भारत में हम बात करें अगर, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की अपराध 2020 की जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार NDPS के तहत कुल कितने मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं, तो ये आपको डेटा गिवन है। ठीक है, 59,806। अकॉर्डिंग टू सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स रिपोर्ट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन 2019 एंड देयर वर 3.1 करोड़ कैनबिस यूजर्स ऑफ विच 25 लाख वर डिपेंडेंट यूजर्स, 2.3 करोड़ ओपियोड यूजर्स ऑफ विच 28 लाख वर डिपेंडेंट यूजर्स। सामाजिक न्याय मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 2019 में मादक द्रव्यों के उपयोग की रिपोर्ट के अनुसार आपके कुछ डेटा गिवन है। ठीक है, उसमें जितने भी आपके कैनबिस यूजर्स थे, कैनबिस को हम एक तरह से हिंदी में भांग भी कहते हैं, ठीक है, जो भांग का उपयोग करते हैं, ठीक है, उनको हम कह सकते हैं कि वो डेटा कितने थे, वो आपके 3.1 करोड़ लोग थे। ओपियोड भी आपकी एक तरह से अफीम होती है, ठीक है, ये इसके यूजर्स कितने थे, ये आपके 2.3 करोड़ थे और जो पूरी तरह से आश्रित थे वो ये डेटा आपको गिवन है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा जो है यहाँ पे आपका जो नशीली दवाओं की लत है वो भारत में किस तरह से फैली हुई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर, सो इट इज अफेक्टिंग एवरी यूथ एंड मैं यही कहना चाहूंगी दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, आपको लाइफ में करने को बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आप इंजॉय ही करना है, तो बहुत तरीके हैं इंजॉय करने के। सेलेक्शन वन ऑफ द मोस्ट जो है इससे बेहतर तरीका एंजॉय करने का कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार आप सिलेक्शन ले लीजिए, जॉब ले लीजिए, वो खुशी जो मिलती है या वो जो पेरेंट्स को आप जो खुशी देते हो उससे अच्छा नशा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो अगर नशा करना ही है जिंदगी में तो सक्सेस और सफलता का नशा किया जाए, इसका नशा क्यों करे, है ना। सो यू हैव टू लाइक
you can see that how important this topic is, and you all are youth who are watching my session. I can see that. So it is a request for all of you कि अगर आप सब भी इन सब में involved हैं या कोई आपके आप आसपास किसी को जानते हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो उनको आप समझाने की कोशिश करिए कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. और इट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी आपने देखा कि इससे रिलेटेड आपको एक एक्ट यहाँ पे देखने को मिला है जिसे हम NDPS एक्ट के नाम से जानते हैं. सो व्हाट इज़ दिस NDPS एक्ट, ये हमें देखना होगा, एंड कब अमेंड किया गया, कब बना, और ये एक्चुअली होता क्या है. और इट्स नेशनल आपके जो यहाँ पे नार्कोटिक्स ड्रग प्रोडक्शन ये आपका है, इससे रिलेटेड है NDPS एक्ट. Alright, so National Narcotic Drug or Psychometric Substance Act. What does it mean? NDPS Act, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब बना, कब लॉन्च किया गया. तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका कब बना था, 1985 में बना था. What does it do? ये करता क्या है? It prohibits a person from producing, possessing, selling, purchasing, transporting, storing and or consuming any narcotic drug or psychotropic substance. Apart from this, the NDPS Act has since been amended thrice in 1988, 2001 and 2014. The Act extends to the whole of India and it applies also to all Indian citizens outside India and to all persons on ships and aircraft registered in India. So basically, NDPS Act was launched in which year? It was launched in 1985. Aur iska aapka maksad kya hai? To yeh kisi bhi vyakti ko किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन करने, भंडार करने या फिर उपभोग करने से रोकता है. इसके अलावा ये तीन बार संशोधित किया जा चुका है, 1988 में, 2001 में एंड 2014 में. अब पहले क्या होता था, एक्सेप्शन हमारा कौन सा आता था, जम्मू एंड कश्मीर. बट अब ये किस पे, ये एक्ट किस पे लागू होता है, पूरे भारत पे लागू होता है, भारत के हर नागरिक पे लागू होता है. अगर वो बाहर हैं तो भी लागू होगा, वो सभी लोग शिप पे या एयरक्राफ्ट पे हैं तो भी ये लागू होगा. NDPS एक्ट उन सभी पे लागू होता है. क्लियर? सो दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एग्जामिनेशन, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर PCSJ एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. ऑलराइट, NDPS एक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. तो ये कहाँ कहाँ पे लगता है, कितनी बार आपका जो है अमेंड किया जा चुका है, इसके अलावा इस एक्ट के अंतर्गत क्या आता है, ये सभी चीज़ें आप याद रख सकते हैं. क्लियर? ओके, नाउ देर आर सम इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस ऑल्सो. तो इंडिया किस में रजिस्टर्ड है ये भी हम देख लेते हैं. ऑलराइट, सो इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस टू कॉम्बैट ड्रग मिनेस, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए ऐसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं या फिर सम्मेलन है, वो हम यहाँ पे देखेंगे, जिसका पार्टिसिपेंट इंडिया है. सो इंडिया इज साइग्नेटरी ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस टू कॉम्बैट द मिनेस ऑफ ड्रग अब्यूज, एंड दीज आर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स विच वॉज लॉन्च इन 1961, United Nation Convention on Psychotropic Substances 1971, United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances 1988, United Nation Convention Against Transnational Organized Crime UNTOC 2000. All right? So, भारत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों से निपटने के लिए इन निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षर करता है. इनमें से आपका सबसे पहला आता है संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स पर कन्वेंशन 1961. दूसरा नंबर पे आता है आपका मनोदैहिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1971. नेक्स्ट आता है आपका स्वापक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभी समय, जो कि आपका है 1988. और आखिरी में आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जो कि आपका लागू हुआ है 2000 से. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस टू कॉम्बैट ड्रग मिनेस एंड विच इज इंडिया अ पार्टिसिपेंट ऑफ. ऑलराइट, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट सेशन, दिस वॉज द इम्पोर्टेंट सेशन दैट वॉज रिलेटेड टू योर यूज ऑफ एंटी ड्रग फंड for de-addiction services, not just policing. All right, so you have to remember these facts. You can revise these facts. And if you like this session, agar aapko ye session pasand aaya ho aur aap isi tarah ke aur sessions, short topics,
चाहते हैं कि आप मुझसे पढ़े, सो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और मैं इसी तरह से और सेशंस भी आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। साथ ही में डेली करंट अफेयर्स के सेशन भी चलते हैं। आज तो आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास सॉरी टू से नहीं हो पाई है, बट कल से आपकी क्लासेस रेगुलर मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दी सेशन, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दी सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दी चैनल। एंड आपको इसकी PDF अगर चाहिए तो आप जुड़ना ना भूले हमारे टेलीग्राम चैनल से। एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रूपाली मैम। ऑलराइट, करंट अफेयर्स बाय रूपाली मैम, आप इससे सर्च करिएगा तो आपको टेलीग्राम पे का चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे ये PDF मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस एंड टेक केयर।